मेरा नमस्ते आ, ये सेशन में मैं आपको सेलेनियम और विटामिन ए के बारे में बताऊंगी सेलेनियम एक टाइप वन प्रकार है आ, जो हम लोग को आ, खाने में चाहिए आ, सबसे बड़ा महत्व सेलेनियम का ये है कि वो अपना जो थायराइड हार्मोन होता है आ, उसको बनाने में मदद करता है तो आपको ध्यान में रखना है हम लोग हमेशा आ, आयोडीन के बारे में बात करते हैं फॉर थायराइड हार्मोन लेकिन ये सेलेनियम भी इतना ही महत्वपूर्ण है जितना आयोडीन तो आ, सेलेनियम किस में से मिलेगा आ, एक तो है आपके जो आ, कलेजी है आ, अंडे है आ, चिकन है उसमें से आपको आ, सेलेनियम मिलेगा आ, जो धान्य है आ, धान्य में से भी आपको सेलेनियम मिलेगा थोड़े से जो दाले हैं, दाले में भी आपको सेलेनियम मिलेगा दूसरा क्या फायदा है सेलेनियम का कि वो अपनी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ाता है तो वो भी आपको ध्यान में रखना है पहले तो है थायराइड दूसरा है रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत अनेक बहुत सारे फायदे हैं तो आप ये हमारे ट्यूटोरियल में देखेंगे और एक दूसरा वीडियो भी मैं दिखाने वाली हूँ जिसमें हम लोगों ने सेलेनियम रिच जो व्यंजन की विधियाँ बताई हुई है तो वो भी आप ध्यान से देखिए और आप घर पर बनाइए और आप आ, फैमिली को भी आ, आ, कब जब भी आप होम विजिट में जाए या मदर्स आपके पास आए माताएँ आपके पास आए तो उनको ये सेलेनियम का टुटोल आपको दिखाना है ठीक है तो ये तो हो गया आपका सेलेनियम धन्यवाद अभी मैं आपको विटामिन ए के बारे में बताऊंगी। सब लोगों को विटामिन ए तो बहुत पता ही होगा विटामिन ए के बारे में क्योंकि हम लोग बच्चों को डोज देते हैं यू you नो know? नौ महीने के बाद जैसे बच्चा नौ महीने से लेके हम लोग विटामिन ए के डोज देते हैं तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये विटामिन ए का डोज हम लोग क्यों देते हैं ठीक है एक तो हम लोग का मालूम है कि हमारे आँख के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों की आँख के लिए हमारे आँख के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन दूसरा क्या है वो इम्यूनिटी हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने में विटामिन ए का महत्व बहुत है ठीक है एक तो रोग प्रतिकारक शक्ति दूसरा जो है हमारा जो आ, जो हमारी चमड़ी है यू you नो know? एक्चुअली एज पीडियट्रिशन हमारे पास बहुत सारे लड़कियाँ आती है थोड़ी यू नो अडोलोसेंट जो किशोरी वय की लड़कियाँ कि जब भी कभी कभी उनको आ, ये यू नो एक्नी होते हैं जो ऐसे गाल में होते हैं ना बच्चों के गाल में एक्नी तो उसके लिए भी हम लोग विटामिन ए का लोशन देते हैं तो जो जो किशोरी वाय की लड़कियाँ ज़्यादा विटामिन ए लेती है खाने में उनको ये एक्नी होने के चांस बहुत कम रहते हैं तो आपको वो भी ध्यान में रखना है विटामिन ए के बहुत सारे दूसरे भी फायदे हैं वो आप ट्यूटोरियल में देखेंगे आ, कौन से खाने में विटामिन ए मिलेगा आपको जो अच्छा वाला विटामिन है रटेन रटेनॉल बोलते हैं रटेइनॉल वो आपको मिलेगा अंडे से ठीक है कलेजी से जो ऑलरेडी मतलब बना हुआ है रेटिनॉल वो जो है डायरेक्टली अपनी बॉडी में काम करता है जो दूसरा वाला केरोटिनोइड है कैरेटनॉल मतलब जो जो भी जो केसरी रंग की जो सब्जियां होती है पीली केसरी रंग की सब्जियां उसमें कैरोटिनॉइड होता है तो कैरेटिनयड से आपको टनोल uh, में चेंज करने के लिए लगभग यू नो इतना चेंज नहीं होता है उतना वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता है तो जितना हो सके अगर आप uh, uh, मदर को बोलेंगे कि बच्चे को मतलब यू uh, नो you know, दही जो होता है दही के जो चर्बी होती है उसमें भी विटामिन uh, ए होता है तो आपको वो ध्यान में रखना है कि जितना रटाइनोल वाला विटामिन ए खाएंगे बच्चे को उतना उसका शोषण बहुत अच्छा होगा ठीक है uh, दूसरा ये है कि uh, जब भी बच्चा पैदा होता है तो माँ को पहले दो दिन वो कोलास्ट्रॉम आता है वो चीक बोलते हैं उसको बच्चे को जो पहले दो दिन माँ को दूध आता है उसमें भी विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा है बहुत ज़्यादा मात्रा में है ठीक है और इसीलिए वो जो कोलास्ट्रॉम चीख बोलते हैं उसको वो आ, मतलब आप देखेंगे कि पीले रंग का होता है पीले रंग का क्यों होता है क्योंकि उसमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा है विटामिन ए की मात्रा आ, नेचर ने भगवान ने क्यों दी है क्योंकि वो विटामिन ए वाला दूध बच्चा पिएगा तो उसको इन्फेक्शन की मात्रा बहुत कम होगी जुलाब कम होंगे उसको जो छाती के जो इन्फेक्शन होते हैं वो कम होंगे तो मतलब नेचर ने वो कोलेस्ट्रोम बहुत भर भर के माँ के दूध में डालना डाला है तो आपको माँ को बताना है कि वो चीख है वो डेफिनेटली बच्चे को देना है क्योंकि उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है ठीक है अभी हम लोगों ने ये ट्यूटोरियल में ये भी दिखाया हुआ है कि कौन से खाने में कितना विटामिन है और कितना विटामिन ए हम लोग को खाने में से चाहिए ठीक है? तो ये आपको ट्यूटोरियल बहुत में पसंद आएगा सेलेनियम के महत्व पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हमारे शरीर में सेलेनियम के फायदे इसकी कमी के लक्षण सेलेनियम के खाद्य स्रोत सेलेनियम एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो ज्यादातर खाने में पाया जाता है यह एंजाइम का एक जरूरी भाग है हमारा शरीर सेलेनियम से सेलेनो प्रोटीन बनाने का काम करता है हमारे शरीर में अलग कामों को करने के लिए उनकी जरूरत होती है सेलेनोप्रोटीन प्रोटीन डीएनए के संश्लेषण में शामिल होते हैं कोशिका खराब होने और संक्रमण होने से बचने के लिए भी इनकी जरूरत होती है हमारी मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए उनकी जरूरत होती है और रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत बनाने के लिए भी एक स्वस्थ थायरॅड ग्रंथि के लिए सेलेनियम और सेलेनोप्रोटीन की जरूरत होती है सेलेनियम की ज्यादा से ज्यादा मात्रा थारॉयड ग्रंथि में मौजूद है थाइरोइड ग्रंथि गर्दन के हिस्से में मौजूद एक तितली के आकार की ग्रंथि है सेलेनोप्रोटीन में मदद करते हैं थायरोक्सिन और ट्रायोडोथायरोनिन दो मुख्य थाड हार्मोन हैं। थायरोक्सिन को T4 के नाम से और ट्रायोडोथायरोनिन को T3 के नाम से भी जाना जाता है सेलेनोप्रोटीन निष्क्रिय टी को सक्रिय T3 में बदलने में मदद करते हैं ये हार्मोन बढ़ने के लिए चयापचय और विकास के लिए जरूरी हैं। सेलेनियम ऑटो इम्यून थायरोडिटिस वाले लोगों के लिए फायदेमंद है यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारी रोग प्रतिरोधक प्रणाली थायराइड ग्रंथि पर हमला करती है सेलेनियम दिमाग के कामों के लिए जरूरी है यह संचालन समन्वय यादाश्त और अनुभूति में मदद करता है शुक्राणुओं के बढ़ने और टेस्टोस्टिरोन के बनने के लिए सेलेनियम की जरूरत होती है यह कैंसर और दिल की बीमारियों के खतरे को भी कम करता है सेलेनियम एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है एंटीऑक्सीडेंट वे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाते हैं फ्री रेडिकल ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में अपने आप से ही बनते हैं वे तभी नुकसानदायक बनते हैं जब वे ज्यादा मात्रा में होते हैं अब सेलेनियम की कमी से होने वाली बीमारियों को देखते हैं सेलेनियम की कमी वाले शिशुओं में कैशन की बीमारी होती है ऐसे में दिल बड़ा हो जाता है और ठीक से काम नहीं करता है काशिन बेक रोग हड्डियों और जोड़ों की बीमारी है यह उन किशोरों और शिशुओं में देखा जाता है जिनमें सेलेनियम की कमी हो पुरुषों में बांझपन में बढ़ावा और प्रोस्टेट कैंसर भी देखा जाता है मैं अब आपको सेलेनियम की कमी के लक्षण बताऊंगी उदास मनोदशा चिंता भ्रम और मांसपेशियों की कमजोरी इसके कुछ लक्षण हैं। सेलेनियम की कमी कुछ तकलीफों के खतरे को बढ़ा सकती है सेलेनियम और आयोडीन की कमी मिलकर थायराइड रोग के होने के खतरे को बढ़ाते हैं हाइपोथायराइडिज्म सेलेनियम की कमी से भी जुड़ा हुआ है यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें थायराइड हार्मोन का बनना कम होता है इसकी कमी से कैंसर अल्जाइमर्स और दिल के रोग का खतरा बढ़ जाता है अब उन समूहों को देखते हैं जिनमें इसकी कमी होने का खतरा है जिन लोगों को एच है वे लोग जो डायलिसिस करा रहे हैं उन क्षेत्रों में रहने वाले लोग जहाँ की मिट्टी में सेलेनियम की कमी है अब मैं आपको सेलेनियम की सुझाई गई मात्रा के बारे में बताऊंगी हर रोज सेलेनियम की अनुशंसित आहार सेवन विभिन्न आयु समूहों के लिए अलग अलग होती है एक से तीन साल के शिशुओं को 20 माइक्रोग्राम की जरूरत होती है चार से आठ साल के लिए यह 30 माइक्रोग्राम है नौ से तेरह साल के लिए 40 माइक्रोग्राम की जरूरत होती है चौदह से अठारह साल के लिए पचपन माइक्रोग्राम की जरूरत होती है वयस्कों को 55 माइक्रोग्राम की जरूरत होती है गर्भवती महिलाओं को 60 माइक्रोग्राम की जरूरत होती है दूध पिलाने वाली माताओं को 70 माइक्रोग्राम की जरूरत होती है इन जरूरतों को पूरा करने के लिए सेलेनियम से भरपूर खाना खाने की सलाह दी जाती है सेलेनियम के खाद्य स्रोतों को देखते हैं चिकन चिकन कलेजी अंडे मछली और सीप मछली इसके अच्छे उदाहरण हैं। बकरी का मांस कलेजा और गुर्दा भी बहुत अच्छे उदाहरण हैं। अनाज दालों और बीजों में भी सेलेनियम होता है यह कुछ हरी पत्तेदार सब्जियों में भी मौजूद है अब हम अलग अलग खाने की चीजों में मौजूद सेलेनियम की मात्रा देखेंगे कृपया ध्यान दें कि बताई गई सेलेनियम की मात्रा कच्चे खाद्य पदार्थों के लिए है एक अंडे में लगभग 40 माइक्रोग्राम सेलेनियम होता है 100 ग्राम केकड़े में लगभग इकहत्तर माइक्रोग्राम होता है 100 ग्राम बांगड़ा या दो छोटे टुकड़ों में लगभग चौसठ माइक्रोग्राम होता है सौ ग्राम या बकरी के दो गुर्दों में लगभग एक सौ बयालीस माइक्रोग्राम होता है सौ ग्राम या दो चिकन कलेजी में लगभग छियालीस माइक्रोग्राम होता है चिकन के सौ ग्राम या चार छोटे टुकड़ों में लगभग बीस माइक्रोग्राम होता है तीस ग्राम या दो बड़े चम्मच बिना छिलके वाली मूंग दाल में लगभग पंद्रह माइक्रोग्राम होता है तीस ग्राम या दो बड़े चम्मच सूखे मटर में लगभग पंद्रह माइक्रोग्राम होता है तीस ग्राम या ढाई बड़े चम्मच कुटकी में लगभग बारह माइक्रोग्राम होता है तीस ग्राम या दो बड़े चम्मच गेहूं में लगभग चौदह माइक्रोग्राम होता है दस ग्राम या एक बड़े चम्मच हलीम के बीजों में लगभग पांच माइक्रोग्राम होता है दस ग्राम या एक बड़े चम्मच तिल में लगभग तीन माइक्रोग्राम होता है दस ग्राम या एक बड़े चम्मच राम तिल के बीजों में लगभग चार माइक्रोग्राम होता है सौ ग्राम अगेथी के पत्तों में लगभग तीस माइक्रोग्राम होता है सौ ग्राम चौलई की पत्तियों में लगभग 21 माइक्रोग्राम होता है अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन खाद्य पदार्थों को अपने हर रोज के खाने में शामिल करें अब यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है आईआईटी बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद सेलेनियम से भरपूर शाकाहारी खाना बनाने के तरीकों पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हमारे शरीर में सेलेनियम के फायदे कुछ शाकाहारी खाना बनाने के तरीके सेलेनियम एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो अधिकतर खाने में पाया जाता है यह एंजाइम का एक जरूरी भाग है सेलेनियम की जरूरत सेलेनोप्रोटीन के बनाने के लिए होती है हमारा शरीर अलग अलग कामों को करने के लिए सेलेनियम का इस्तेमाल करता है इनमें से अधिकतर काम सेलेनोप्रोटीन द्वारा किए जाते हैं सेलेनोप्रोटीन डीएनए के संश्लेषण में शामिल होते हैं वो कोशिका को खराब होने से बचाने और संक्रमण से बचाने के लिए भी जरूरी है एक अन्य ट्यूटोरियल में सेलेनियम के फायदे को समझाया गया है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट देखें अब खाना बनाने की तैयारी देखते हैं शुरू करने से पहले ध्यान दें कि इस ट्यूटोरियल में एक कटोरी डेढ़ सौ मिलीलीटर है पहला है कुटकी की इडली इसको बनाने के लिए आपको चाहिए तीस ग्राम या ढाई बड़े चम्मच कुटकी पंद्रह ग्राम या एक बड़ा चम्मच बिना छिलके वाली उड़द दाल एक छोटी धुली और कद्दूकस की हुई गाजर एक चम्मच तेल या घी नमक स्वाद अनुसार तरीका कुटकी और उड़द दाल को धोकर रात भर के लिए भिगो दें अगले दिन थोड़े पानी के साथ सभी चीजों को एक मुलायम घोल में पीस लें घोल को एक कटोरे में डालें कटोरे को ढक दे और इसे छह से आठ घंटे के लिए एक गर्म जगह पर खमीर उठने के लिए छोड़ दे घोल में खमीर उठने के बाद नमक और कद्दूकस की हुई गाजर डाल लें सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं। अगला इडली के सांचे पर तेल या घी लगाएं। घोल को सांचे में डालें। भाप वाले बर्तन में एक गिलास पानी डालें और उसमें सांचा रखें बर्तन को ढक्कन से बंद करें और इडली को 15 से 20 मिनट के लिए भाप दें। जब वे पक जाए तो इडली को ठंडा होने दें उन्हें सांचे से निकालें और परोसे कुटकी की इडली तैयार है तीन छोटी इडली में लगभग 16 माइक्रोग्राम सेलेनियम होता है अगला सीखेंगे तिल के बीज की चटनी पाउडर इसको बनाने के लिए आपको जरूरत होगी दो बड़े चम्मच भुने हुए तिल एक बड़ा चम्मच जीरा एक बड़ा चम्मच बिना छिलके वाली उड़द दाल पांच से छह सूखी लाल मिर्च एक सूखा नारियल का टुकड़ा नमक स्वाद अनुसार तरीका एक बर्तन गरम करें उड़द की दाल लाल मिर्च सूखा नारियल और जीरा भून लें उन्हें धीमी आंच पर हल्का भूरा होने तक भूनें। उन्हें एक प्लेट में डालें और ठंडा होने दें ठंडा होने पर उन्हें भुने हुए तिल के साथ एक मिक्सी में डालें इसमें नमक डालें और सभी चीजों को बारीक पीस लें इस पाउडर को एक कटोरे में डालें। तिल के बीज की चटनी पाउडर तैयार है एक चौथाई कटोरी चटनी पाउडर में लगभग 12 माइक्रोग्राम सेलेनियम होता है तीसरा सीखेंगे अंकुरित सफेद मटर की सब्जी इसे बनाने के लिए आपको जरूरत होगी 30 ग्राम या दो बड़े चम्मच अंकुरित सफेद मटर 30 ग्राम या दो मुट्ठी धुले और कटे हुए चौलई के पत्ते आपको इसकी भी जरूरत होगी दो से तीन कटा हुआ लहसुन एक छोटा कटा हुआ प्याज एक चम्मच जीरा और राई आधा चम्मच हल्दी पाउडर एक छोटा चम्मच मिर्च पाउडर नमक स्वाद अनुसार एक चम्मच तेल या घी तरीका सबसे पहले हम सफेद मटर को अंकुरित करेंगे सफेद मटर को धोकर रात भर के लिए भिगो दें। अगली सुबह बाकी के बचे हुए पानी को छलनी से छान लें एक कटोरे में पानी भरें और छलनी को कटोरे पर रखें। छलनी को पानी में ना डुबोएं। इसे इस तरह रखें कि छलनी पानी को छू ले इसे अंकुरित होने के लिए गर्म जगह पर छोड़ दें। ध्यान दें कि अलग अलग फलियों को अंकुरित होने में एक से तीन दिन लग सकते हैं यह मौसम पर भी निर्भर करता है जब अंकुर दिखाई दे अंकुरित मटर को प्रेशर कुकर में पकाएं। चार से पांच सीटी आने तक ऐसा करें और फिर आंच बंद कर दें। कुकर की भाप अपने आप निकलने के बाद ढक्कन खोलें इसे बाद में इस्तेमाल के लिए अलग रख दें एक बर्तन में तेल या घी गरम करें और उसमें राई और जीरा डालें जब राई फूटने लगे तो लहसुन और प्याज डालें जब तक वे हल्के भूरे रंग के ना हो जाएं, तब तक भूनें। इसमें चौलाई के पत्ते डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसे पांच मिनट तक पकाएं। इसके बाद पकाए हुए सफेद अंकुरित मटर मसाले और नमक डालें। फिर से मिलाएं और आधा गिलास पानी डालें। इसे पांच से छह मिनट तक उबलने दें। अंकुरित सफेद मटर की सब्जी तैयार है आधी कटोरी सफेद मटर की सब्जी में लगभग इक्कीस माइक्रोग्राम सेलेनियम होता है आखिरी सीखेंगे बिना छिलके की हरी मूंग दाल की चपाती इसे बनाने के लिए आपको जरूरत होगी तीस ग्राम या दो बड़े चम्मच बिना छिलके की मूंग दाल एक छोटी कद्दूकस की हुई गाजर एक चम्मच जीरा एक चम्मच अजवाइन एक हरी मिर्च आपको एक चम्मच तेल या घी की भी जरूरत होगी और स्वाद अनुसार नमक भी तरीका बिना छिलके की मूंग दाल को धोकर रात भर के लिए भिगो दें एक छलनी से छानकर बाकी का बचा हुआ पानी निकाल दें बिना छिलके की मूंग दाल हरी मिर्च और नमक को बारीक पीसें पीसते समय पानी ना डालें घोल को एक कटोरे में निकाल लें कद्दूकस की हुई गाजर जीरा और अजवाइन डालें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं। एक प्लेट के पिछले हिस्से पर तेल या घी लगाएं। तैयार घोल की एक छोटी सी लोई लें। इसे प्लेट पर रखें और चपाती बनाने के लिए अपनी उंगलियों से दबाएं। आप प्लेट की जगह एल्युमिनियम फॉइल भी ले सकते हैं एक बर्तन गरम करें और चपाती को थोड़ा घी या तेल लगाकर भूनें। दोनों तरफ से पकने तक पकाएं। बिना छिलके की हरी मूंग दाल की चपाती तैयार है दो छोटी चपातियों में लगभग 16 माइक्रोग्राम सेलेनियम होता है अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन खानों को अपने रोज के खाने में शामिल करें यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है आईआईटी बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद विटामिन ए के महत्व पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे शरीर में विटामिन ए की भूमिका विटामिन ए की कमी के कारण और उससे होने वाले असर, अनुशंसित सेवन और खाद्य स्रोत। विटामिन ए फैट में घुलने वाला विटामिन है। इसे खाने और परिपोषक के जरिए लिया जा सकता है हमारे खाने में विटामिन ए के दो मुख्य रूप पाए जाते हैं एक है पहले से ही बना हुआ विटामिन ए जिसमें Retinol और रेटीनाइल एस्टर शामिल हैं यह पशु स्रोतों से मिलता है दूसरा रूप प्रोविटामिन ए है इसमें अल्फा कैरोटिन बीटा कैरोटिन और बीटा क्रिप्टोजेंथिन शामिल हैं। ये सभी पौधों के स्रोत से मिलते हैं पहले से ही बना हुआ विटामिन ए जो पशु स्रोतों से मिलते हैं, वे विटामिन ए का एक सक्रिय रूप है जबकि पौधों के स्रोत से मिलने वाला प्रो विटामिन निष्क्रिय रूप है पाचन के समय इसे रेटिनॉल में बदलना पड़ता है रेटिनॉल सक्रिय रूप है 12 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन एक माइक्रोग्राम रेटिनॉल में बदल जाता है यह बदलाव आंत में होता है फिर ये कलेजे द्वारा सोखा जाता है और उसमें ही जमा होता है जब तक शरीर को इसकी जरूरत ना हो विटामिन ए कई शारीरिक कामों के लिए जरूरी है यह आंखों की नजर बनाए रखने में जरूरी भूमिका निभाता है और आंखों की कार्य प्रणाली में मदद करता है रोडोप्सिन के बनने के लिए भी विटामिन ए की जरूरत होती है रोडोप्सिन आंखों में एक रंग द्रव्य है जो हमें रात में देखने में मदद करता है रोडोप्सिन की कमी के कारण कम रोशनी में देखने की ताकत काफी कम हो जाएगी विटामिन ए त्वचा को ठीक करने और रख रखाव के लिए जरूरी है यह कोशिका के विकास और विभाजन में भी साथ देता है यह अलग अलग अंगों के बनने और रख रखाव में अहम काम करता है जैसे कि हृदय फेफड़े गुर्दे वगैरह। विटामिन ए एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है एंटीऑक्सीडेंट हमारी कोशिकाओं को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाते हैं फ्री रेडिकल शरीर में अपने आप से बनते हैं जब ये शरीर में बहुत ज्यादा होते हैं तो ये नुकसानदायक हो जाते हैं इसीलिए विटामिन ए फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान को कम करता है। विटामिन ए शरीर में और भी कई भूमिका निभाता है यह सभी ऊतकों और अंगों की ताकत और कार्य प्रणाली को बनाए रखता है जैसे कि त्वचा का सांस की नली के परत का आंत का कान के अंदर और रोग प्रतिरोधक शक्ति को बनाए रखना भी एक अन्य उदाहरण है विटामिन ए नवजात शिशु के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। यह शिशुओं के बढ़ने में मदद करता है और उन्हें इन्फेक्शन से बचाता है खीस विटामिन ए से भरपूर होता है खीस प्रसव के तुरंत बाद माँ में बनने वाला पहला दूध है इसे शिशु को पैदा होने के एक घंटे में ही पिला देना चाहिए खीस के और भी लाभ एक अन्य ट्यूटोरियल में समझाए गए हैं अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट देखें। अगला हम अपने शरीर में विटामिन ए की कमी के कारण देखेंगे इसकी कमी का सबसे आम असर जीरो है ये आँखों से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां हैं जो विटामिन ए की कमी के कारण होती हैं। इसके लक्षण अलग अलग चरणों में बढ़ते हैं पहला लक्षण है रतौंदी इस स्थिति में दिन में नजर सही रहती है पर रात में या कम रोशनी में देखना मुश्किल हो जाता है जैसे जैसे कमी बढ़ती है आंखें सूखी सुस्त और झुर्रीदार हो जाती हैं। इस कमी का एक और संकेत बिटॉट स्पॉट्स है ये अनियमित आकार के झागदार पदार्थ हैं, जो आंख के कोने पर दिखाई देते हैं ये सभी लंबे वक्त से चली आ रही कमी की ओर संकेत देते हैं आइए हम विटामिन ए की कमी के गंभीर और अचानक शुरू होने के संकेतों को देखें। कार्निया सूख जाता है जिससे आंसू और चिकनेपन की कमी हो जाती है कार्निया पारदर्शी भाग होता है जो आंख के काले हिस्से को ढकता है यदि इसका ठीक से इलाज नहीं किया जाए तो यह कार्नियल अल्सर का कारण बन सकता है कार्निया पर अल्सर दिखाई देते हैं और आंखों में सूजन आ जाती है कमी का सबसे गंभीर रूप कैरेटो मलेशिया है इसमें कार्निया के एक तिहाई से ज्यादा हिस्से पर असर होता है पूरा कार्निया मोटा हो जाता है और फिर पिघल जाता है विटामिन ए की कमी के इन कारणों के बारे में जानना जरूरी है बाद के चरणों में जब लक्षण गंभीर हो जाते हैं तब अंधे होने का खतरा होता है ऐसे मामलों में मृत्यु का खतरा भी ज्यादा होता है एक और अहम परिणाम है गंभीर इन्फेक्शन होने का बड़ा खतरा उदाहरण के लिए दस्त और खसरा इन्फेक्शन शरीर में विटामिन ए की जरूरत को ज्यादा बढ़ा देता है इससे कमी और भी बदतर हो जाती है फिर कमी और इन्फेक्शन का एक दुष्चक्र शुरू हो जाता है कमी के कारण रोगों से लड़ने की शक्ति भी कमजोर होती है विटामिन ए की कमी वाले लोगों को एनीमिया का खतरा भी होता है थकान हो सकती है और विकास रुक सकता है रूखे बाल, रूखी त्वचा और मुहासे विटामिन ए की कमी के अन्य कारण हैं। गर्भवती महिलाओं में इसकी कमी से समय से पहले प्रसव हो सकता है इसका परिणाम जन्म के समय कम वजन वाले शिशु भी हो सकते हैं और उनमें पैदाइशी बीमारी भी हो सकती है नवजात शिशुओं के शरीर में विटामिन ए की मौजूदगी के कम होने का भी खतरा है चलिए कुछ कारकों पर नजर डालते हैं जो विटामिन ए की कमी के खतरे को बढ़ा सकते हैं पहला विटामिन ए से भरपूर खाद्य पदार्थों को अच्छे से ना खाना है कम मात्रा में सेवन और फैट को ना सोखना एक अन्य कारक है इसीलिए आंतों और अग्नाशय के रोगों वाले लोग खतरे में हैं। जिन लोगों को कलेजे की बीमारी है उन्हें भी कमी का खतरा है कलेजे की बीमारियां शरीर में विटामिन ए को जमा करने और छोड़ने की ताकत को कम कर देती हैं। शिशुओं गर्भवतीओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कमी का खतरा है ऐसा इसीलिए है क्योंकि विटामिन ए के लिए उनकी जरूरतें ज्यादा हैं। कमी से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए का नियमित सेवन जरूरी है एक से तीन साल के शिशुओं को हर रोज 390 माइक्रोग्राम लेना चाहिए चार से नौ साल के शिशुओं को 510 से 630 माइक्रोग्राम हर रोज लेना चाहिए किशोरों के लिए 770 से 860 माइक्रोग्राम हर रोज की सलाह दी जाती है वैसक महिलाओं और पुरुषों के लिए हर रोज 840 और 1000 माइक्रोग्राम लेने की सलाह दी जाती है 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए भी इसी मात्रा की सलाह दी जाती है गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं को हर रोज 900 से 950 माइक्रोग्राम लेना चाहिए विटामिन ए के खाद्य स्रोतों को देखते हैं विटामिन ए के दो अहम स्रोत हैं पशु स्रोत और पौधों से मिलने वाले स्रोत पशु स्रोतों में विटामिन ए रेटिनॉल के रूप में पाया जाता है जो सक्रिय रूप है बकरी और मुर्गी का कलेजा विटामिन ए के बेहतरीन स्रोत हैं। एक छोटी कटोरी बकरी के कलेजे में पंद्रह हजार छह सौ पचपन माइक्रोग्राम रेटिनॉल होता है दो चिकन के कलेजों में तीन हजार चार सौ छियासी माइक्रोग्राम होता है अंडे की जर्दी भी विटामिन ए से भरपूर होती है दो अंडे की जर्दी में पाँच सौ उनतालीस माइक्रोग्राम होता है दो बड़े चम्मच मक्खन में लगभग ढाई सौ माइक्रोग्राम होता है पचास ग्राम शेडर चीज में लगभग तीन सौ माइक्रोग्राम होता है 100 ग्राम ताज़ी मलाई में 400 माइक्रोग्राम होता है पौधों वाले खाद्य स्रोतों में कैरोटीनॉइड के रूप में विटामिन ए होता है हरी पत्तेदार सब्जियां सबसे अच्छा जरिया है जैसे कि सहजन की पत्तियां चोलाई मेथी अगाथी 100 ग्राम सहजन की पत्तियों में १७,००० 542 माइक्रोग्राम होता है 100 ग्राम मेथी के पत्तों में नौ माइक्रोग्राम होता है 100 ग्राम चोले की पत्तियों में लगभग आठ माइक्रोग्राम होता है बीटा कैरोटिन से भरपूर अन्य खाद्य पदार्थ हैं आम पपीता खुबानी और संतरे एक आम में लगभग 300 माइक्रोग्राम होता है एक कटोरी पपीते में 115 माइक्रोग्राम होता है सेवन के साथ साथ सही तरह से विटामिन ए का सोखा जाना भी जरूरी है ध्यान दें कि कैराटेनोइ्स की तुलना में रेटिनॉल शरीर में आसानी से सोखा जाता है इसका मतलब है कि हमारा शरीर पशु स्रोत से मिलने वाले विटामिन ए को बेहतर तरीके से सोख लेता है और इकट्ठा भी कर लेता है यह बेहतर तरीके से इस्तेमाल भी होता है क्योंकि इसे सक्रिय रूप में बदलने की जरूरत नहीं होती विटामिन ए के सभी स्रोतों को अच्छे से सोखने के लिए खाने में कुछ फैट की जरूरत होती है यह निष्क्रिय रूप से सक्रिय रूप में बेहतर रूपांतरण की सुविधा भी देता है इसीलिए यह जरूरी है कि आप अपने खाने में अच्छी गुणवत्ता वाली फैट शामिल करें उदाहरण के लिए मक्खन शुद्ध घी मछली अंडे दाने और बीज अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन सभी खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करें अब यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है आईआईटी बॉम्बे से मैं बेलाटोनी आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद you <music>